हेलो एवरीवन, बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, जिस चैप्टर का नाम क्या है, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। चैप्टर नंबर 2 में हमने ये देखा था कि आप प्राइवेट बिजनेस किस किस फॉर्म में कर सकते हो। 5 मेथड सीखे थे प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में हम ये देख रहे हैं कि जब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती है, जब गवर्नमेंट अपने बिजनेसेस करती है, तो गवर्नमेंट के पास कितने मेथड है बिजनेस करने के, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बेस बनाया था कि गवर्नमेंट 3 तरीकों से बिजनेस कर सकती है। कुल मिला के गवर्नमेंट की 3 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, एक है पब्लिक कॉरपोरेशन और एक है गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें से मैंने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मीनिंग, एग्जाम्पल, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स सब करा दिया था लास्ट लेक्चर में। आज लेक्चर का जो मेरा फोकस है वह है पब्लिक कॉरपोरेशन का मीनिंग बताना, कि पब्लिक कॉरपोरेशन का मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको गवर्नमेंट कंपनी कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल मैं पब्लिक कॉरपोरेशन का डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ। पहले मैं एग्जाम्पल्स दे कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछूंगा। उससे पहले मेरे से एक डाउट पूछा जा रहा है, भैया डिपार्टमेंटल का एक डीमेरिट पूछा जा रहा है, तो पहले मैं वो डिपार्टमेंटल का डीमेरिट एक एक्सप्लेन कर दूं, फिर जल्दी से मैं पब्लिक कॉरपोरेशन आपके साथ स्टार्ट कर देता हूं। डिपार्टमेंटल का जो डीमेरिट्स पूछा जा रहा है, वो मेरे से पूछा जा रहा है लास्ट पॉइंट, रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। बेटा ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। जिसका मतलब क्या है बेटा, इंडिया में कितने डिसीजन बहुत डिले लिए जाते हैं, कितने डिसीजन जो होते हैं ना इंडिया में, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि इंडिया में आपको काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। इंडिया में पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर इतने लेंथी होते हैं कि आप कौन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने में इतना टाइम लग जाता है कि उस डिसीज़न लेने का बेनिफिट भी कुछ नहीं होता। आपको पता है बेटा इंडिया में कितने सारे जो केसेस हैं, किस क्रिमिनल केसेस, कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं? आप गूगल पे एक बार सर्च करना कि इंडिया में कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। हमारे जैसे एक नॉर्मल इंसान, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास या कोर्ट नहीं जाना चाहता इंडिया में जल्दी से। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस बहुत घबराते हैं किस चीज़ से, कि भाई वहाँ पे ना जो पुलिस में केस होते हैं ना, उस पर बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है। इसीलिए इंडिया में कभी भी कोई जल्दी से बंदा कहाँ नहीं जाएगा, ना तो जल्दी से वो पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा, ना वो जल्दी से कहाँ जाता है, कोर्ट। क्योंकि इंडिया का जो ब्यूरोक्रेसी लेवल है, जो पेपर वर्क है, जो फॉर्मेलिटीज़ है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा कहता है छोड़ो, केस ही नहीं करते हम सामने वाले पे। ये इंडिया की एक बहुत बड़े इशू है। इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट भी हैं। ये बातें शायद आपने सुनी भी होगी। अब तो स्मृत ने मुझे बता भी दिया कि भैया लगभग 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं इंडिया में आज के दिन, 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं इंडिया में। तो आप समझो ये तो पेंडिंग है, और कितने तो लोग इंडिया में छोटे मोटे केस फाइल भी नहीं करते। मैं दोबारा रीड करा देता हूँ, रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू डिले इन डिसीजन ड्यू टू टू मैनी फॉर्मेलिटीज़। इंडिया में डिसीजन बहुत देरी से लिया जाता है क्योंकि इंडिया में फॉर्मेलिटीज इतनी फुलफिल करनी पड़ती है। आज मैं बताऊंगा कि भी इंडिया में एक्ट कैसे पास होता है और इंडिया में एक चीज़ एक्ट बनने में कितने साल लग जाते हैं। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के डिसीजन है वो बहुत डिले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है। हम उसमें कोई भी इनोवेशन या ब्लॉड जो इनोवेशन है या जो बोल्ड अप्रोच है, जो इमीडिएट एक्शन है, वो हम जल्दी से ले नहीं पाते, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंटरप्राइज की ग्रोथ के लिए, और यहाँ पे उसकी कोई भी प्लेस नहीं है। एक और बात एग्जांपल मैं दूँ बेटा, रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक एग्जांपल है। आपको पता है रेलवे को पता नहीं कितने सालों से बात कर रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन अब वो कब प्राइवेटाइज होगा अभी सुनने में आ रहा है। आर्टिकल छपते हैं कि अगले 3 साल में 20-30% रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, अगले 7 साल में रेलवे 100% प्राइवेटाइज हो जाएगा। देखो अभी तो ये बातें हो रही है, पता नहीं ये डिसीज़न कब प्रैक्टिकली लिया जाएगा। इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ना, उनसे काम कराना बहुत मुश्किल है, दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।
अब जरा जल्दी से नया कंसेप्ट करते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन। पहले मैं ये कंसेप्ट समझाता हूँ पब्लिक कॉरपोरेशन बनती कैसे है, इसके एग्जांपल्स देता हूँ, इसके फिर फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। बेटा पब्लिक कॉरपोरेशन पे सिंपल एक लाइन बताऊँ तो पब्लिक कॉरपोरेशन एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, भैया इसका जन्म कैसे होता है पब्लिक कॉरपोरेशन का, ये बताना। तो जल्दी से बताता हूँ बेटा, जैसे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक डिपार्टमेंट ही तो है, एक गवर्नमेंट का ऑफिस ही तो है, भैया ये बनेगा कैसे, इसका जन्म कैसे हुआ, तो समझना इसका जन्म होता है एक एक्ट के थ्रू। इसका जन्म कैसे होता है, एक्ट के थ्रू। भैया एक्ट कहाँ पे पास होता है, पार्लियामेंट में द्वारा। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, वो फॉर्म कैसे होती है, तो सिंपल मैंने ये बताया, ये जो पब्लिक कॉरपोरेशन है ना, इसका जन्म कैसे होगा, एक एक्ट के थ्रू। एक्ट कहाँ पे पास होता है, पार्लियामेंट में। मैं बता दूँ कोई भी चीज़ इंडिया में एक्ट कैसे बनते हैं, कोई भी रूल्स तो बहुत पास होते हैं, लॉ तो काफ़ी बनते हैं, लेकिन एक लॉ एक्ट कैसे बनता है, बेटा पहले एक बिल होता है, बिल ड्राफ्ट, एक बिल लिखा जाता है, उस बिल को हम लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में पास कराते हैं, राज्यसभा में पास कराते हैं, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कराते हैं, ये सारा काम पार्लियामेंट का हो गया। कि पार्लियामेंट में हम लोकसभा राज्यसभा में पास करा रहे हैं एक बिल को, और उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करा रहे हैं, जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो चीज़ क्या बन जाती है, एक्ट बन जाती है। तो इंडिया में ऐसा कोई भी कॉरपोरेशन, ऐसा कोई भी जो बिजनेस इंडिया में हो रहा है, जो किसके थ्रू हो रहा है, जिसके लिए इंडिया में क्या पास हुआ है, अलग से एक्ट पास हुआ है, दैट इज़ पब्लिक कॉरपोरेशन। भैया कुछ कोई एग्जाम्पल है क्या इंडिया में इसका, पब्लिक कॉरपोरेशन का? मैं दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ, और होप करता हूँ क्या पता आपको भी एक आधा एग्जाम्पल पता हो। बेटा जैसे RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है। ये RBI कॉरपोरेशन कैसे बनी है, इसके लिए बना हुआ है RBI एक्ट 1949, जिसमें RBI के बारे में सब लिखा हुआ है कि RBI में क्या पावर है, क्या फंक्शन है, RBI को रन कैसे करना है, RBI के बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं, RBI को ऑपरेट कैसे करना है, पब्लिक कॉरपोरेशन को ऑपरेट कैसे करना है, वो बातें बेटा हम कहाँ पे लिख देते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन के एक्ट में लिख देते हैं, जैसे कि RBI का एक्ट बना हुआ है। एक दूसरा एग्जांपल SBI, SBI भी किसके थ्रू ही बना हुआ है, SBI भी किसका एग्जांपल है, पब्लिक कॉरपोरेशन का ही एग्जांपल है। मैं अब आपसे पूछता हूँ कि आपको कोई ऐसा एग्जांपल पता है क्या, जैसे मैंने बता दिया RBI, SBI, आपको कोई और एग्जांपल? एक तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं इसके बाद दूंगा एक दो एग्जांपल, क्योंकि बेटा जब मीनिंग और एग्जांपल समझ में आते हैं ना आपको, तो आप फीचर्स भी खुद बना लेते हो, तो आप मेरिट्स और डीमेरिट्स भी खुद विजुलाइज कर पाते हो। अच्छा RBI का नाम सुना हुआ है, अच्छा SBI का नाम सुना हुआ है। ऐसे ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं आपको टैगलाइन बता देता हूँ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो अभ्या ने मुझे वैसे आंसर दिया इंडियन एयरलाइंस, और दूसरा आंसर यश गर्ग का आया जो मैंने कहा था जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, LIC लाइफ कॉरपोरेशन, जो इंडिया में इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके लिए भी तो क्या बना हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी तो कैसे बनी हुई है, LIC एक्ट के थ्रू बनी हुई है। अभ्या ने मुझे एग्जाम्पल दिया था इंडियन एयरलाइंस का, तो बेटा मीनिंग एग्जाम्पल्स जब समझ में आए तब अब फीचर्स भी समझ में आएंगे। मैंने क्या कहा था, जो भी इन कॉरपोरेशन की पावर है, जो भी इन कॉरपोरेशन की ड्यूटीज़ है, वो सब किस में लिखी होगी, इस एक्ट में। पहले मीनिंग एग्जांपल रीड करा देता हूँ, फिर इसके कुछ फीचर्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और आपसे पूछता हूँ कि ये बनती कैसे होगी, समझो। एक स्टैचुररी कॉरपोरेशन, एक बॉडी कॉरपोरेट है, जो बनेगी कैसे, फॉर्म्ड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आपको एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ेगा, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या तो उसे सेंट्रल लेजिस्लेचर पास करेगा या स्टेट लेजिस्लेचर। इट इज़ फुल्ली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। मैं बता दूं बेटा, जो पब्लिक कॉरपोरेशन बनती है, जब शुरू शुरू में ये सेटअप होगा, मैंने शुरू शुरू में SBI बनाया होगा, SBI के ऑफिसेस, LIC का ऑफिस बनाया होगा, RBI का, तो शुरू में पैसा कहाँ से आता है? शुरू में मैं बता दूं, जितना भी इनिशियल पैसा है वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट का लगता है, समझ लेना। और उसके बाद जब एक बार ये कॉरपोरेशन रन करना शुरू कर देगी, जब एक बार बिजनेस शुरू हो जाएगा इसमें, उसके बाद इसे गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं करेगी, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट बॉडी है,
हर साल खुद पैसा कमाओ, खुद खर्चा करो, गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी नहीं है। जैसे SBI की ड्यूटी है या LIC की ड्यूटी है, हर साल खुद सर्विस दे के पैसे कमाओ, हर साल का गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या थी, एक बार बिजनेस खोल के दे देना, उसके बाद खुद करो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दो बेटा, आप अभी 11th क्लास में हो, कल को फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस करना है, आज से 4 या 5 साल बाद जब आपकी एज 23 या 24 साल होगी, ठीक है, तो 23 या 24 साल में आपके पेरेंट्स कहते हैं बिजनेस तो मैं शुरू करवा देता हूँ, बिजनेस में 50 लाख लगेंगे ना, मैं लगाता हूँ, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, आपके फादर कह रहे हैं आपको, मैं लगाता हूँ तेरे बिजनेस में 50 लाख, लेकिन एक बार लगाऊंगा मैं बस, उसके बाद बिजनेस को चलाना कैसे है, उसमें कमाई कहाँ से होगी, खर्चे कहाँ से होगी, वो तेरी जिम्मेदारी। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, पेरेंट है। गवर्नमेंट क्या कह रही है, मैं एक बार पैसा लगा दूंगी बिजनेस को शुरू करने में, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो ये बातें आगे आएंगी। इट इज़ फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो पावर है, ऑब्जेक्ट्स है, लिमिटेशंस है, वो सारी बातें किसमें लिखी गई होगी, उस एक्ट में। एग्जाम्पल्स 2-3 याद रख लो, बहुत है, LIC, SBI, RBI, Air India, Indian Airlines, Food Corporation of India, दिस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन। अब जल्दी से फीचर्स देख लेते हैं और फिर उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो यहाँ पे दे रखे हैं। पहले फीचर्स, बेटा यहाँ 10 दे रखे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई भी 6-7 याद रख लेना पेपर में, मोर देन सफिशेंट है। 11th क्लास में इतनी केसेस स्टडी तो नहीं आती, सीधा मीनिंग और फीचर्स लिखे जाएंगे, और इवन कितने फीचर्स तो मीनिंग से आ जाएंगे। जैसे कि पहला भाई, ये कैसे क्रिएट होगा, ये क्रिएट होगा बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। मैंने बता दिया ना कोई भी चीज़ एक्ट कैसे बनती है, बेटा आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए एक्ट और पार्लियामेंट की ना, कोई भी चीज़ इंडिया में, जैसे GST एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, ये कैसे बने एक्ट, बेटा पार्लियामेंट चलती है इंडिया में, पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, उनमें पहले एक बिल होता है, ड्राफ्टेड बिल, जिसे मैं एक्ट बनाना चाहता हूँ वो मैं लोकसभा में रखता हूँ, राज्यसभा में रखता हूँ, वहाँ पे जो लोग हैं लोकसभा राज्यसभा में, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, पहले वो एक्ट वहाँ पे पास होगा, फिर उस पे प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा, तब जाके वो चीज़ क्या बनती है, एक्ट बनती है। अब आगे क्या कह रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भैया सपोज गवर्नमेंट ने पैसे लगाए और कॉरपोरेशन अगर चली ही नहीं तो क्या होगा भैया, अभ्या बेटा क्या होगा, बिजनेस खोला, बिजनेस चला नहीं तो बंद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कोशिश करेगी, थोड़ा बहुत अगर नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट उस नुकसान को प्रैक्टिकली बियर कर लेती है थोड़ा बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट की तो बच्चियाँ ही है, गवर्नमेंट कहेगी थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, ले ले मेरे से पैसा, थोड़ा बहुत नुकसान गवर्नमेंट बियर कर लेती है, लेकिन अगर ज़्यादा ही नुकसान होगा तो गवर्नमेंट कहेगी ताला लगाओ और घर चलो, ये मैक्सिमम अल्टीमेटली, लेकिन गवर्नमेंट जल्दी से बंद होने नहीं देती। उसके बाद ये बातें भी हमने मीनिंग में पढ़ ली थी, फीचर्स तो ये खामा खाम बनाती है तो पढ़ लिया। जो भी इस पब्लिक कॉरपोरेशन की पावर है, इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसकी लिमिटेशंस है, वो सारी चीज़ें हम बेटा कहाँ पे डिफाइन कर देंगे, एक्ट में ही। इस पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका ही रहेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। बेटा ये गवर्नमेंट का ही तो बिजनेस है, तो ऑफकोर्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस पे फुल फोकस, फुल कंट्रोल रखेगी। ये मैं आपको बता दूँ, ये पहले भी डिस्कस हुआ है, इट इज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी का एक स्पेशल फीचर होता था। मैं बता दूँ सेपरेट लीगल एंटिटी का एडवांटेज क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का एडवांटेज ये होता है, अगर आप सेपरेट लीगल एंटिटी हो तो आप अपने नाम से, मतलब जैसे SBI है, जैसे RBI है, जैसे LIC है, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है, ये अपने नाम से एग्रीमेंट में एंटर हो सकती है, इनके नाम पे केस फाइल किया जा सकता है। कल को फॉर एग्जांपल आपने LIC से इंश्योरेंस कराया और आपको LIC वाले पैसे नहीं दे रहे, तो क्या आप LIC के जो एम्प्लॉई है उन पे केस फाइल करोगे, LIC के नाम पे केस फाइल करोगे? आप LIC के नाम पे केस फाइल करोगे, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये खाली जब सेपरेट लीगल एंटिटी होता है तभी एडवांटेज मिलता है ऐसा, कि कॉरपोरेशन अपने नाम से सब कुछ कर सकती है, ये सोल प्रोप्राइटर में पॉसिबल नहीं है। जब आप सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस देखते हो प्राइवेट में, उसमें क्या होता है, अगर बिजनेस मैन है, जैसे एक राम है, राम ने अपनी दुकान खोल ली, ठीक है, राम अपनी दुकान खोल रहा है और उसका नाम उसने रख दिया राम ट्रेडिंग कंपनी, तो क्या राम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जो आप अपने एक
इंडिविजुअल जो अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप खोलता है, क्या उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है या उसके नाम पे केस हो सकता है? नहीं, केस किसके नाम पे होता है? उस सोल प्रोप्राइटर के नाम से होता है। ये हमने कंपनीज में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे मैनेज कौन करता है? जैसे कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, इस केस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, जिसे कौन नॉमिनेट करेगी? गवर्नमेंट। पब्लिक कॉरपोरेशन के अपने खुद के रूल्स हैं कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट का मतलब वहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ कैसे रखे जाएंगे, उन एम्प्लॉयज़ की रेमोनरेशन क्या होगी, उस वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपॉइंट कैसे करना है, उन्हें कितनी रेमोनरेशन देनी है, ये सारी चीज़ें इसके एक्ट में लिखी जाती है सब कुछ। जैसे वह RBI में एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है तो वो RBI की ड्यूटी है, वो खुद ही क्या करेगी, रिक्रूटमेंट करेगी। एक इसका जो बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी आपको मिलेगा, फीचर भी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जब आप बच्चों ने पढ़ा था तो हमने देखा था कि बेटा वहाँ पे ना कहीं क्या रहता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एक यूनिट है, वो मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते रहते हैं, इंटरफेरेंस। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, उसके बाद जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल उनका ज़्यादा इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहता, इन्हें फुल फ्रीडम दे दी जाएगी। इट इंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रीडम, क्योंकि हमने इन्हें कहाँ से फ्री रखा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बेटा ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो जाए, ये बुकिश में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली अगर ऐसा हो जाए ना तो मज़ा आ जाए, जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। इनका मेन मोटिव क्या है? जनरल पब्लिक को सर्विस देना। ये किसके लिए अकाउंटेबल है? ये पार्लियामेंट को अपने, क्योंकि इन्हें पास किसके थ्रू करवाया गया? पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करवा के। तो इनके अकाउंट भी कहाँ पे शो करने पड़ेंगे? पार्लियामेंट को। इसे अपनी रिपोर्ट सब दिखानी पड़ती है पार्लियामेंट में। और इनके अकाउंट्स का ऑडिट कौन करता है बेटा? इंडिया में जितनी भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ऑडिट CAG करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो दिस आर द सिंपल फीचर्स। और बेटा अगर आपको फीचर्स समझ में आए ना तो मेरिट्स उसी में से निकल जाते हैं। जैसे कि क्या मैंने देखो कितने सारे मेरिट्स पहले ही बता दिए होंगे फीचर्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यहाँ पे डे टू डे बिजनेस करने में इन्हें बिल्कुल फ्रीडम है, पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एक सेकंड बेटा, बेटा अभी एक मेरिट बताया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, देखो इसमें क्या लिखा। ए पब्लिक कॉरपोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विद इंडिपेंडेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिपेंडेंसी का मीनिंग समझ आया? यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और बेटा मैं बता रहा हूँ ये क्यों अच्छा पॉइंट बन जाता है, जरा एक प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बेटा। क्या अगर आपको इंडिया में पॉलिटिकल लीडर बनना होता है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इंडिया के बनते हैं, आपको क्या लगता है वो पढ़े लिखे लोग होते हैं? क्या उनके लिए इंडिया में कोई क्वालिफिकेशन नेसेसरी है? बड़ी हैरानी की बात है, इंडिया में सारे रूल कहाँ से पास हो रहे हैं? पार्लियामेंट के थ्रू। पार्लियामेंट का मतलब वहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो इन रूल्स को पास करते हैं। और जो बंदा इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है उनके लिए कोई भी डिग्री लेना कंपलसरी नहीं है, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं कि इंडिया में क्या एक्ट बनना चाहिए क्या एक्ट नहीं बनना चाहिए। वो आपके बिजनेस को अगर इन्फ्लुएंस करे तो बड़ी दिक्कत की बात है ना। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मैंने आपको समझाया था इन लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये बुकिश लैंग्वेज में पहले बता दूँ। सेकेंड, क्विक डिसीजन मेकिंग, वहाँ पे लिखा था रेड टैपिज्म के कारण डिसीजन लेना बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक बात के लिए कहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा? मिनिस्ट्री से। ये बिल्कुल एक सेपरेट बॉडी है, जैसे SBI RBI, इन्हें कहाँ से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक काम को पार्लियामेंट से। इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो पता कौन खुद डिसाइड करता है? RBI के गवर्नर खुद डिसाइड कर लेता है, उसे इस चीज़ को गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डिसीजन लेना बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे। पब्लिक कॉरपोरेशन रिलेटिवली फ्री है, फुल फ्री नहीं है, रिलेटिवली फ्री है रेड टैपिज्म से, मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं है। एज देयर इज लेस वर्क, यहाँ पे कम लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। यहाँ पे हमने आपको
आरबीआई के गवर्नर को डिसीजन लेने के लिए अलाउ कर रखा है कि इंडिया में किस रेट पे लोन दिया जाएगा, वो आरबीआई खुद डिसाइड कर लेता है। सर्विस मोटिव पहले बताया था, पब्लिक कॉरपोरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी को सर्विस देना। एसबीआई का या आरबीआई का मेन काम क्या है, खाली जनरल पब्लिक के लिए काम करना, ये कभी भी किसके लिए काम नहीं करते, प्रॉफिट के लिए। इसीलिए मैं आपको बताऊं, अगर एसबीआई को लॉस भी हो जाए ना, है तो बेटा गवर्नमेंट बॉडी ना, एसबीआई को कितनी बार लॉस हो जाता है, विजय माल्या लोन लेके जो लोन ले रखा है वो वापसी नहीं दे रहा है तो एसबीआई को लॉस हो रहा है, तो वो पता लॉस कहाँ से बियर हो जाता है कितनी बार, गवर्नमेंट उसको पैसे खुद रिफंड कर देता है, गवर्नमेंट से उन्हें पैसे मिल जाते हैं ऐसे केसेस में। द एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन कहाँ पर डिस्कस होती है, पार्लियामेंट में, ये इंश्योर करता है कि ये पब्लिक के लिए काम करेगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, हमने पहले ही बताया था बेटा, इन्हें मैनेज कौन कर रहा है, यहाँ पे बिजनेस को मैनेज कौन कर रहा है, उनके लिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं जो कि एक्सपर्ट लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काफ़ी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, जो लेबर को रिप्रेजेंट करेगा, कंज्यूमर को, और इन्हें कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नमेंट। लास्ट पॉइंट, इनका स्टाफ थोड़ा सा एफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉइज रखे जाते हैं आरबीआई में, एसबीआई में, एलआईसी में, ये एम्प्लॉइज कौन खुद रिक्रूट करेगा और किन रूल्स के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, उन पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। एलआईसी में जो एम्प्लॉइज रखे जा रहे हैं वो एलआईसी एक्ट के थ्रू रिक्रूट होंगे, नहीं तो क्या होता है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ना, वहाँ पे तो मैं अपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेलवे में काम कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव्स को भी रेलवे में रख लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड है कि पढ़े लिखे लोग ही चाहिए, लेकिन इन एक्ट में बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग स्टाफ को रखा जाएगा, कैपेबल स्टाफ रखा जाता है। पब्लिक कॉरपोरेशन, तीन एग्जाम्पल से याद रखो, LIC, RBI, SBI, इनके खुद के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किसके रिगार्डिंग, कि हमें कितनी रेमुनरेशन देनी है, हमें एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कैसे करना है, तो ये बेटर फैसिलिटीज़ और अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विस देते हैं अपने स्टाफ को, जिनकी एक बार यहाँ जॉब लग जाए वो कभी भी इनकी जॉब्स को छोड़ेगा नहीं। जहाँ बेटा मेरिट्स हैं, ये तो सिंपल सी बात है, वहाँ हमेशा क्या ज़रूर होंगे, डीमेरिट्स ज़रूर होंगे, हर एक जगह मेरिट्स और डीमेरिट्स साथ में चलते हैं लाइफ में, हमेशा जहाँ कुछ एडवांटेज हैं उसी चीज़ के हमेशा क्या भी होते हैं, डिसएडवांटेज जरूर होते हैं। अब जरा इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट लिखा, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, कह रहा है आप अभी पढ़ के आए ना कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, कह रहे ये बुक में मिलती है, बस प्रैक्टिकली काम करो जरा, आरबीआई एसबीआई में जाके पूरा इंटरफेरेंस रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का, कह रहा है बुक में लिखने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या करते रहेंगे, इंटरफेरेंस करते रहेंगे, देख लेना। द ऑटोनोमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज ओनली फॉर नेम सेक, खाली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, नाम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रैक्टिकली जो ये मिनिस्टर्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इनकी वर्किंग में इंटरफेरेंस करेंगी करेंगी, मिनिस्ट्री की या सोचो ना, मतलब क्या कहूँ, किसी पर्टिकुलर लीडर का नाम क्या दूँ, आप खुद देख लेना इंडिया में कितने महान लीडर हैं यार, जो इंडिया के क्या बन जाते हैं, CM भी बन जाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, आप एक बार कभी इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में हिस्ट्री देखना कि वो कितने एजुकेटेड है, इंडिया की हेल्थ मिनिस्टर कितने पढ़े लिखे हैं वो देखना, इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर कितने पढ़े लिखे हैं, आप खुद देखना ना, तब आपकी आँखें खुलेंगी कि यार ये अनपढ़ लोग इतने बड़े लेवल पर कैसे पहुँच जाते हैं और ये हमारे लिए डिसीजन बनाते हैं। जो बंदा खुद पढ़ा ना लिखा ना हो वो एजुकेशन के लिए बताओ पॉलिसीज बनाएगा, जिसे हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता वो हेल्थ मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल, जिसे फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता वो फाइनेंस मिनिस्टर है। और इंडिया में तो ऐसा होता है कि अगर आप एक साल हेल्थ मिनिस्टर थे तो उससे अगले साल सीधा फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओगे, क्या बात है, मतलब एक साल तो आपको हेल्थ की नॉलेज थी और अगले साल ही फाइनेंस की नॉलेज आ गई, तो बेटा बहुत बुरी हालत है इंडिया की। और ये तीन और डिसएडवांटेज क्या है पब्लिक कॉरपोरेशन के, लैक ऑफ इनिशिएटिव, बेटा यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ है ना वो इनिशिएटिव नहीं लेते, यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है,
पता है अगर नुकसान हो भी गया एसबीआई को, आरबीआई को, एलआईसी को, तो गवर्नमेंट नुकसान को बियर कर देगा, क्यों टेंशन लेनी। तभी तो कभी भी इनकी इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। पब्लिक कॉरपोरेशन को कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं फेस करना, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए तो काम ही नहीं करते। तो एम्प्लॉयज़ कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेते प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और लॉस को कम करने के लिए। बेटा ये बैंक है एचडीएफसी बैंक, अभी कुछ साल पहले बना है और इस समय इंडिया का इतना बड़ा बैंक बन गया, इसका इतना नाम हो गया। और एक दूसरी तरफ एसबीआई कब का बना हुआ है लेकिन इतना ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि प्राइवेट वाले कॉम्पिटिशन के साथ काम करते हैं। रिजिड स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जल्दी से चेंजेस नहीं आ सकते, क्योंकि किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, एक्ट के थ्रू, जो बातें एक्ट में लिखी गई है, और एक्ट को अमेंड कराना इजी टास्क नहीं है। अगर आपको किसी एक्ट में चेंज करवाना है तो फिर आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जो पब्लिक कॉरपोरेशन की ऑब्जेक्ट्स और पावर्स है वो किस में डिफाइन है, एक्ट में। इनको खाली कैसे अमेंड कर सकते हैं, अगर हम एक्ट में चेंज लेके आएँ, और हम एक्ट में चेंज लाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है। और लास्ट पॉइंट, अनफेयर प्रैक्टिसेस। बेटा यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस जो ये मैंने एग्जांपल दिए, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, करप्शन हर एक जगह इंडिया में, प्रैक्टिकली करप्शन हर एक जगह है, कोई भी जगह बिना करप्शन के काम नहीं होता इंडिया में, खुद लिख रहे हैं बेटा। यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं करप्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ के एम्प्लॉयज़। मतलब वही बुकिश में, आप मेरिट्स में हमने कह दिया कि इनमें बहुत फ्रीडम है, यहाँ पे डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत करप्शन है इन डिपार्टमेंट में। द गवर्निंग बॉडी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन जो इनको चला रही है वो किस में इंक्लूड हो सकती है, अनफेयर प्रैक्टिसेस में। ये बहुत ज़्यादा प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हैं अपनी इनएफिशिएंसीज को छुपाने के लिए। सुटेबिलिटी नहीं करनी, मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स मैंने बता दिया। बेटा अगर मीनिंग और फीचर्स क्लियर है ना, तो मेरिट्स डीमेरिट्स अपने आप समझ में आ जाते हैं। मैं दोबारा बता दूं, पब्लिक कॉरपोरेशन कैसे बनती हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन को बनाने के लिए आपको एक स्पेशल एक्ट पास करना है पार्लियामेंट में, जहाँ पर उनके बारे में सारी पावर्स, सारी ऑब्लिगेशंस लिखी जाएंगी। सारा पैसा शुरू में गवर्नमेंट लगाएगी, बाद में इन्हें खुद डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी ने खुद चलानी है। यही इसके फीचर्स बन जाते हैं कि इसे फुल्ली गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जा रहा है, इसे पास एक्ट द्वारा किया जा रहा है, वहाँ पे सारी पावर्स हम डिफाइन कर रहे हैं, सब कुछ एक्ट में लिख देंगे। लेकिन बाद में हम इनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे, रन करेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और वही कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पब्लिक कॉरपोरेशन कंप्लीट। आप इसे रिवाइज करो, साथ में हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाओ। आज के लिए इतना ही।